नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। पलामू से हमारे संवाददाता सुधीर कुमार की रिपोर्ट। जिले में कड़ाके की ठंड बढ़ती जा रही है, ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा अभी तक किसी चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई थी और न ही कंबल का वितरण किया गया है। इधर इंडियन रोटी बैंक संस्था ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। संस्था के लोगों ने नए सवेरा कार्यक्रम के तहत मेदिनीनगर के विभिन्न चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की है और गरीब रिक्शा चालक समेत जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। मौके पर आईपीएस विजय शंकर और इंडियन रोटी बैंक के प्रदेश संयोजक दीपक तिवारी समेत टीम के लोग मौजूद थे। चमुहान चौक, सदीक चौक समेत शहर के कई चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई। मौके पर आईपीएस विजय शंकर ने संस्था के कार्य को सराहनीय बताते हुए और भी संस्था के लोगों से अपील की है। क्या कहना है विजय शंकर जी का, आइए सुनते हैं। वहीं दूसरी ओर इंडियन रोटी बैंक के प्रदेश संयोजक दीपक तिवारी ने कहा कि इंडियन रोटी बैंक लगातार देश में कई राज्यों में लोगों की मदद कर रहा है। ये बहुत वेलकम चेंज है और ये देखने को मिल रहा है कि लोग अपने से इनिशिएटिव लेके लोगों का सेवा कर रहे हैं। ज़्यादातर हम देखते हैं लोग सरकार से मांग करते हैं, अभी ये उससे बढ़ के सरकार के सहायता करते हुए जो भी नीडी लोग हैं सबका ये लोग मदद कर रहे हैं, तो ये देख के बहुत अच्छा लगा। और कम्युनिटी पॉलिसिंग में हमारा भी यही इनिशिएटिव रहता है कि कोशिश रहता है कि हम भी पब्लिक के साथ बेटर इंटरफेस क्रिएट करें, तो हम लोगों को भी इसमें मिला कि पब्लिक पुलिस का एक अच्छा इंटरफेस क्रिएट किया इन्होंने, तो ये हमें बहुत अच्छा लगा और आगे भी हमें इनसे अनुरोध रहेगा कि ऐसे ही सेवा करते रहें। ऐसे जो भी एनजीओ हैं सबसे हमें यही अनुरोध रहेगा कि जितना अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कंट्रीब्यूट करके इंडिया को एक बेहतर देश बनाएं। भारती इस वर्ष भी नया सवेरा कार्यक्रम के तहत जो कार्यक्रम हर वर्ष होता है इस वर्ष भी थोड़ा समय से पहले प्रारंभ किया गया, बढ़ती ठंड को देखते हुए। और इंडियन रोटी बैंक पूरे झारखंड प्रदेश में और भारतवर्ष के 15 राज्य में सभी यूनिट्स के लोग, 95 यूनिट्स हैं पूरे इंडियन रोटी बैंक के, और पूरी मजबूती से अलाव की व्यवस्था, कंबल की व्यवस्था वैसे ज़रूरतमंद जो वास्तविक रूप से ज़रूरतमंद हैं उन लोगों तक पहुंचाने का काम 4 वर्षों से करते आ रही है और निरंतर आगे भी यह चलता रहेगा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज झारखंड, सबसे पहले सबसे तेज। तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।